गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एवरी ऑनलाइन क्लास. सो टुडे आई एम बैक विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर एंड ग्रामर एंड चैप्टर इज 7 and 10. सो दिस इज़ फॉर क्लास 1. सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यू फ्रॉम चैप्टर 7 एंड चैप्टर 10 फ्रॉम लिटरेचर एंड ग्रामर. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्स विद 3 lambs. We already studied the story of 3 lambs, about 3 lambs and wolf. Na, they built a house of straw, wood and bricks, and wolf came, hai na, and blah blah. So this story, this question is from that story. Here is question: who lives with 3 lambs? 3 lambs ke saath kaun rehta tha? क्वेश्चन नंबर 1 गोट, क्वेश्चन नंबर 2 काउ, क्वेश्चन नंबर 3 सीप. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सीप. हु लिव्स विथ 3 lambs? सीप. 3 lambs के साथ कौन रहता था? सीप. सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड किसको बोलते हैं? ऑप्शंस आर हियर नाउन, वर्ब, प्रोनाउन. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 verb. Sorry, option 2 verb. Question number 3. The 3 lambs choose different materials to build their. The 3 lambs choose different materials to build their. 3 lambs को क्या बोला गया था उसके मम्मी ने कि घर बनाना है अपना अपना, है ना. तो उन तीनों ने अपना घर बनाने के लिए क्या क्या सामान लिया. सॉरी, सामान क्या बनाने के लिए लिया. ऑप्शंस आर बाथरूम, टेम्पल, हाउस. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 हाउस. उन लोगों ने सामान क्या बनाने के लिए लिया था? घर, हाउस बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 चूज द डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. यहाँ पे जो वर्ड्स दिया है इनमें से हम लोगों को डूइंग वर्ड्स निकालना है, ठीक है. हेयर आर ऑप्शन सी कुक स्काई. सो द डूइंग वर्ड इज ऑप्शन नंबर 2 कुक. कुक इज करेक्ट ऑप्शन. So our next question is who came to the 3 lambs house. 3 lambs के घर में कौन आया? Tiger, lion, wolf. Who came? Here are correct answer option number 3 wolf. 3 lambs के घर में कौन आया था? Wolf आया था. So question number 6 lions dash. Lion क्या करता है? Roar, teach, swim. What does lion do? अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 रोर. लायंस रोर, गुर्राता है लायन, है ना. सो क्वेश्चन नंबर 7 हुज हाउस वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स का घर किसने बनाया? किसका ब्रिक्स का घर था? ईटा का घर किसका था? हेयर आर ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट लैम्प, ऑप्शन नंबर 2 थर्ड लैम्प, ऑप्शन नंबर 3 थर्ड लैम्प. हुज हाउस वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स. हेयर इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 थर्ड लैम्प. किसका घर ब्रिक्स का बनाया था? ईटा का, थर्ड लैम्प का घर, है ना, जो टूटा भी नहीं था. सो क्वेश्चन नंबर 8 हार्ड वर्क्स ऑलवेज डैश अस. हार्ड वर्क्स ऑलवेज डैश अस क्या? हेल्प, डिस्करेज, नॉन ऑफ दिस. हार्ड वर्क हमें हेल्प करता है कि डिस्करेज करता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 हेल्प. हम लोगों को हार्ड वर्क, जो मेहनत कर, जो हम मेहनत करते हैं वो हमेशा ही सफल होता है ना, हम लोगों को मदद करता है. क्वेश्चन नंबर 9 अ स्टार डैश एट नाइट. स्टार डैश एट नाइट. स्टार क्या होता है रात को? ट्विंकल्स, प्ले, वर्क. क्या होता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 ट्विंकल. अ स्टार ट्विंकल्स एट नाइट. Our last question of this video is who get tired and goes away. कौन थक गया और वापस चला गया? Here are options lambs, sheep, wolf. So our correct answer is option number 3 wolf. कौन थक गया था? Wolf थक गया था. So students, these are multiple choice questions which I pick out from chapter 7 and chapter 10 from grammar and literature. So you all have to copy all this question and answer, and you have to memorize it. Till then, goodbye. I will come back with next video in next week. Goodbye.